हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटोरियन। ये वाला वीडियो एडिट आप काइनेमास्टर के हेल्प से बना सकते हो। तो पहले ही आपको काइनेमास्टर को ओपन कर लेना होगा एंड उसके बाद आप जो जो फाइल या फिर वीडियो फाइल आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो सब फाइल आप एक ही बार में इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे दो फाइल सिलेक्ट किया है। तो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ये दोनों फाइल को थोड़ा सा एडजस्ट यानी कि मैं ट्रिम कर लूँगा। तो आप भी आपके हिसाब से फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा जल्दी दिखाऊंगा। तो फाइल को मॉडिफाई करने के बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट का लेयर ले लूंगा। यहाँ पे मैं इंजॉय टाइप कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से और आपके वीडियो के हिसाब से आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो टेक्स्ट को टाइप करने के बाद मैं इसका पोजिशन थोड़ा सा सेट कर दूंगा एंड इसका जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी मैं चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट का शेडो ऑफ कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड मेरे चैनल क्रिएटोरियन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो फॉन्ट को सेट करने के बाद मैं ये इंजॉय जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा एंड थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा। तो सब कुछ सेट करने के बाद एडिट करने से पहले मैं एक बार ये वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा कि ये वीडियो कैसा दिखता है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो वीडियो मैं जो एडिट करता हूँ वो आपको कैसा लगता है एंड नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करोगे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि ये जो हाथ है ये इंसान का वो इंजॉय जो टेक्स्ट है उसके पीछे आ रहा है। तो अब मैं इस वीडियो को एडिट करने वाला हूँ। तो पहले ही मैं टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चला जाऊँगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके आपको ओवरले सिलेक्ट करना होगा। तो अब मैं एक बार ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है इसका कुछ कुछ पार्ट हाथों के ऊपर भी दिख रहा है, तो हमें ये ठीक करना होगा। तो हम यहाँ पे वीडियो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑप्शन पे जाके इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो वीडियो को एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये वाला क्लिप तो हो गया, अब मैं नेक्स्ट वाला क्लिप एडिट करने वाला हूँ। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा ट्रिम कर दूंगा। ट्रिम करने के बाद मैं यहाँ पे भी एक टेक्स्ट का लेयर ले लूंगा और उस पे सी बीच टाइप कर दूंगा। तो इस टेक्स्ट को ऐड करने के बाद मैं इसका साइज चेंज कर दूंगा, इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो भी मैं चेंज कर दूंगा, शेडो ऑफ कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो आपको थोड़ा सा फास्ट दिखा रहा हूँ। तो एडिट करने से पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वीडियो आप कैसा लग रहा है। तो पहले ही टेक्स्ट का लेयर को सिलेक्ट करके हम लोग ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले जाएंगे एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके ओवरले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो वीडियो को एक बार प्ले करके देखते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो आप नोटिस कर सकते हो कि टेक्स्ट अभी भी ऊपर दिख रहा है हमें। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये वीडियो का हम लोग थोड़ा सा हाई कर देंगे। अभी भी जो टेक्स्ट है ये ऊपर में दिख रहा है। तो ये जो वीडियो है इसको सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट में जाके इसका जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे हम लोग। यहाँ पे मैं अपने वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, तो आपको आपके वीडियो के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट करने के बाद एक बार वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो अब ये वीडियो परफेक्ट लग रहा है। अब मैं इन दोनों टेक्स्ट का इन एनिमेशन फेड कर दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड मेरे चैनल क्रिएटोरियन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज शुभदीप साइनिंग ऑफ। बाय बाय।